कृपालु जी महाराज की बड़ी बेटी विशाखा इस दुनिया में नहीं रही, उनका निधन हो गया है। आपको हम बता चुके हैं कि कृपालु जी महाराज की तीनों बेटियां सिंगापुर के लिए रवाना हो रही थी। वो एयरपोर्ट पर जा रही थी और तभी उनकी गाड़ी का बड़ा भयानक एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही विशाखा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वही कृपालु जी महाराज की दो छोटी बेटियां अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। वो अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। हालत नाजुक बनी हुई है। अब ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार ये बड़ा हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे किसकी गलती थी, आखिर कौन है इस बड़े हादसे का जिम्मेदार। तो चलिए आपको बताते हैं हम अपनी इस रिपोर्ट में। बता दें, यमुना एक्सप्रेसवे पर ग्रेटर नोएडा में रविवार सुबह जगतगुरु कृपालु जी महाराज की बेटियां दो कारों पर सवार थीं और तभी अचानक से एक टैंकर ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके आगे की कार में सवार कृपालु जी महाराज की बड़ी बेटी डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी की मौके पर ही मौत हो गई। विशाखा की उम्र 68 ईयर्स की थी। वही बताया जा रहा है कि यह हादसा टैंकर चालक की अचानक से आंख लग जाने की वजह से हुआ है। जी हां, पुलिस के अनुसार चालक को झपकी आ गई जिसकी वजह से टैंकर अनियंत्रित हो गया। इसके बाद टैंकर दोनों कारों पर पलट गया। घटना के बाद टैंकर चालक भाग गया। बता दें आपको, टैंकर में पानी और शराब की खाली बोतलें थी जो फिरोजाबाद से हरियाणा के करनाल जा रही थी। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। वही कृपालु जी महाराज की बड़ी बेटी विशाखा की सड़क हादसे में मौत की खबर सुनने के बाद आश्रम परिसर में शोक की लहर दौड़ गई है। श्रद्धालुओं की आंखें नम है। वही छोटी दो बहनें श्यामा और कृष्णा अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और हर कोई उन दोनों की सलामती की दुआएं कर रहा है। हालांकि अभी तक दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जैसे कृपालु जी महाराज की बड़ी बेटी विशाखा का निधन सड़क हादसे में हुआ है, उसी तरीके से कृपालु जी महाराज का भी निधन 2013 में फिसल कर हुआ था। वो जमीन पर फिसल कर गिर गए थे और उनकी भी इस हादसे में जान चली गई थी। बहरहाल अब ऐसे में हर कोई यही दुआ कर रहा है कि कृपालु जी महाराज की दो बेटियां जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल फिल्मी बीट।